नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड यू बाय आईबीटीएस इंडिया। सो जैसे कि आप जानते हैं, ये एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है नायब तहसीलदार एग्जाम को लेकर के, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है नायब तहसीलदार के एग्जाम की अप्रोच को देखते हुए। तो आप जानते हैं, जैसे कि हम रेगुलर की कुछ सीरीज के कुछ वीडियोस को हम जिसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही आज हम उसी को लेकर के डे 16 को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम डे 16 के कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डे 16 में भी आज के हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनहेबिटेशन से लेकर के हैं, यानी कि के टॉपिक से है, यानी कि अर्लियर इनहेबिटेंट्स इन हिमालय इन हिमालयन फुट हिल्स वर, यानी कि पहले हिमालय में एक तलहटी के निवासी कौन। तलहटी यानी कि आपके फुट हिल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि जो सबसे पहले हिमालय थे उनके बिल्कुल फुट हिल्स पे जो रहने वाले लोग आए थे उनको वो कौन से थे। ए है कोल्स, बी है राजपूत, सी इज नंदाज एंड डी इज नन ऑफ द अबव। आई थिंक इस क्वेश्चन में आप बी एंड सी को तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, बी एंड सी को भी नहीं तो सी को तो आप आराम से कर ही सकते हैं, वहां से बच के आपके पास दो ऑप्शंस। तो आप जानते ही हैं अर्ली इनहेबिटेंट्स की बात हो रही है और हिमाचल हिल्स में अर्ली इनहेबिटेंट्स में राजपूत नहीं आते हैं। राजपूत जो थे वो 8th to 9th AD में जो थे उन्होंने हिल्स की तरफ को अप्रोच करना स्टार्ट किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कोल्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सवाल नंबर दो जो है, द चंबा प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय मेरू वर्मन इन 550 AD विद इट्स कैपिटल एज, यानी कि मेरू वर्मन ने 550 AD में चंबा प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी, तो उसकी राजधानी कहाँ पे उन्होंने स्थापित की थी। ऑप्शन ए है आपके पास सलूनी, बी है खजियार, सी है चंबा सिटी एंड डी इज ब्रह्मपुरा। इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुरा, जिसको आज हम भरमौर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल भी मिडिवल हिमाचल से है, दैट इज महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड नगर कोट इन 1009 AD, बट हु वॉज द रूलर ऑफ कटोच डायनेस्टी इन कांगड़ा ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि गजनी के महमूद ने 1009 ईस्वी में नगर कोट पर आक्रमण किया, इस दौरान कांगड़ा के कटोच वंश का शासक कौन था। ऑप्शन ए इज राजा रतन चंद, बी इज राजा संसार चंद, सी इज राजा हरिचंद एंड डी इज राजा जगदीश चंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राजा जगदीश चंद। आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि किस समय जब अटैक्स पर्टिकुलरली नगर कोट फोर्ट पर हुए, या फिर फॉर दैट मैटर अगर किसी और पर्टिकुलर किले पर भी अगर हम बात करते हैं, आपके हंडूर के या फिर आपके सुजानपुर टीला की अगर हम बात करते हैं, तो पर्टिकुलर जब भी आपके अटैक्स हुए हैं या फिर आपके दिल्ली में कोई भी पावर शिफ्ट हुई है, चाहे आपकी दिल्ली सल्तनत आई है चाहे मुगल्स आए, तो उस समय पे पर्टिकुलरली जब अटैक हुए हिल्स में, तो उस समय पे जो रूलर्स थे वो कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है। इन पे ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हमने इन पर जो है क्वेश्चन इसीलिए बनाया है। आगे चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एस्केप द रैथ ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन शिमला इन 1857 द ब्रिटिशर्स फ्लेड फ्रॉम शिमला एंड टुक शेल्टर एट, यानी कि आप जानते ही हैं जब आपकी सिपॉय म्यूटनी हुई थी, जो आपके सिपाहियों ने आपकी एक क्रांति की थी 1857 में, तो उसका इफेक्ट हिल्स में भी देखने को मिला था और इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गया था कि लग रहा था कि अब हिल्स में भी जो है वो आर्मी जो है वो अटैक कर देगी यूरोपियंस के ऊपर, प्लस उनकी यानी कि यूरोपियन ऑफिसर्स जो थे प्लस उनकी फैमिलीज के ऊपर वो अटैक कर देंगे। ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अपनी फैमिलीज को सुरक्षित रखने के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन्होंने किसके पास जो था वो शेल्टर जो था उन्होंने लिया था, शरण किसके पास उन्होंने ली थी। ऑप्शन ए है कोटी, बी इज ठियोग, सी इज गुन एंड डी इज जुंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जुंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हु ऑर्गेनाइज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला इन 1942, यानी कि 1942 में शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किसने किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी इज भागवत सौठा, सी इज राजकुमारी अमृत कौर एंड डी इज बाबा कांशीराम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज राजकुमारी अमृत कौर। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो एक प्रिंसली स्टेट से लिया गया है, दैट इज द क्योंथल प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड इन 1211 AD बाय, यानी कि क्योंथल रियासत की स्थापना 1211 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना है क्योंथल प्रिंसली स्टेट की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन ए इज सूर्य सेन, बी इज राम सेन, सी इज गिरी सेन एंड ऑप्शन डी इज बीर सेन।
उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज गिरी सेन। आपको ये सारे फैक्ट जो हैं ध्यान रखने हैं, इसके अलावा और भी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके फाउंडर्स के आपको नाम की एक लिस्ट बना करके रेडी रखनी है। आगे चलते हैं हमारे आज के सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का सेवन्थ क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ शंगरी प्रजामंडल इन द हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1947। आप देख ही रहे हैं प्रजामंडल से हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, यानी कि जो आपका टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड वाला टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उसको बहुत सारे क्वेश्चन पहले की वीडियोज में भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं एक बार आप देख लीजिए। प्रजामंडल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन के आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे और आपके बेसिक्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए, इसका ऑप्शन ए है मुनीलाल वर्मा, बी है रामलाल वर्मा, सी इज चिरंजी लाल वर्मा एंड डी इज भागमल सोठा। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चिरंजी लाल वर्मा। बढ़ते हैं हमारे एट्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, व्हेन वाज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश डिसॉल्वड एंड गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को कब भंग कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। आप जानते ही हैं जब हिमाचल प्रदेश, जब पूरे देश को आज़ादी मिला था उस समय इसको एक सी स्टेट दर्जा दे दिया गया था। सी स्टेट दर्जा देने के बाद हमने देखा था कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाई गई थी, फिर यूटी बनाई गई थी, फिर हमें लास्ट में जो था वो स्टेटहुड यहाँ पे मिला था। तो ये यूटी की बात कर रहा है कि कब यूनियन टेरिटरी जो थी इसकी जो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कब डिसॉल्व किया गया था और इसको स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी जो था वो दिया गया था। तो इसका ऑप्शन ए है हमारे पास 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी है हमारे पास 1 नवंबर 1966, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1954 एंड ऑप्शन डी इज 1 नवंबर 1962। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको डेट जो है वो सेम दिया है, बस ईयर वेरी कर रहा है। इस तरह से सवाल को जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हम लास्ट तक एग्जाम में इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि खाली डेट्स ही याद रख पाते हैं, ईयर हमें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो यहाँ पे यही ट्रिक है और पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको ईयर भी जो है डेट के साथ पर्टिकुलर मंथ के साथ याद रखना है, जो भी आपके नेशनल या फिर आपके स्टेट लेवल पर जो भी आपके हुए हैं इवेंट्स उनका डेट पर्टिकुलरली आपको याद रखना है। तो उसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नाइन्थ क्वेश्चन जो है ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल के रिगार्डिंग है, दैट इज लॉर्ड मायो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केम टू चंबा ऑन, यानी कि लॉर्ड मायो भारत के गवर्नर जनरल चंबा कब आए थे। ऑप्शन ए है 13 नवंबर 1871, बी इज 15 नवंबर 1871, सी इज 21 नवंबर 1871 एंड डी इज 23 नवंबर 1871। देखिए यहाँ पे ईयर सारे आपको सेम दिए गए हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे मंथ भी सेम दिया गया, आपको सिर्फ यहाँ पे जो है वो डेट्स वेरी की गई हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इस तरह के सवाल ज़्यादा आजकल अब पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलरली उनका मंथ, डेट एज वेल एज ईयर जो है वो याद रखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 13 नवंबर 1871। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिशर हु डिस्कवर्ड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1819 AD वॉज, यानी कि 1819 ईस्वी में पहली बार शिमला की खोज करने वाला अंग्रेज कौन था या कौन थे। ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट रोज, बी है कर्नल ब्रिग्स, सी इज मेजर कैनेडी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लेफ्टिनेंट रोज। तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि शिमला की खोज जो थी वो कौन से वर्ष में की गई थी, तो 1819 मैंने आपको उसमें बता दिया, और दूसरी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कौन से जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने की थी, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट रोज। तो आई होप आज के ये जो सवाल हैं आपको समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट हो तो आप इसको कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा IBTS इंडिया, मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है हिमाचल प्रदेश की जो भी एग्ज़ाम रिलीज़ किया जाता है बाय HPPSC उसके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की आपकी तैयारी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो लाइक आपका नायब तहसीलदार, आपका अलाइड सर्विसेज या HSC, इसके अलावा और भी कोई HPPSC द्वारा रिलीज एग्ज़ाम, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना है या फिर आपको उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, बुक्स स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो आपके एडमिशन से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं या फिर आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।